जो आने वाली जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं है। मैं समझती जो आने वाली जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं है, जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े उठाएंगे तो आपको NCERB के आंकड़ों में मिलेगा कि लगातार महिलाओं के साथ शोषण बढ़ रहा है। अभी हमने BHU वाली घटना देखी है, बनारस वाली घटना देखी है, किस तरह जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के निकले हैं। तो मुझे लगता है आपको इन सब मुद्दों पर मुझसे सवाल करना चाहिए जो उत्तर प्रदेश का मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जिस तरह से ईडी का हमला हो रहा है, ईडी लगातार उनको नोटिस दे रही है हाजिर होने की, इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह की राजनीति? जैसे से इलेक्शन पास आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को लग रहा है भाजपा को कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही है, तो इसी सबको देखते हुए इस तरह के कठोर कदम उठा रही है। अभी राम मंदिर की जो बात करें तो लगातार कार्यक्रम की घोषणा कर रही है BJP, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिभा रहेगा कि भागीदारी रहेगी वहाँ पहुँचने की? हम तो मन से राम, भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा है कि जो पहले राम विरोधी थे अब राम मंदिर में आने के लिए नोएते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं, तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। राम मंदिर निमंत्रण भेजा गया, बात कही है इंडिया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उसकी परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकती, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा स्थानीय दलों को बताया दीमक। मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहां से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि 30 सीटें मांग रही है यूपी के अंदर, कैसे मालूम? ये आपका आकलन है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी कोई बात। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को हटाने के काम कर रही है सपा या BJP को, भाजपा हमारा जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। हमें समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा को जो हराएगा कैंडिडेट उसी का साथ दिया जाएगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। जिस तरह से अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए थे उसमें जो ना लगातार 3 प्रदेशों में भाजपा काबिज रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या EVM की कमी है या समर्थन मिला? कंट्रीज हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह कोई भी देश हो पूरे विश्व में, सब जगह आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। EVMs आई थी लेकिन EVMs का जो यूज है उसको बंद करके लोग वापस बैलेट पेपर में आए हैं, तो अगर हम वापस बैलेट पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा मैं समझती हूँ। तो इसका मतलब जो है EVMs से चुनाव नहीं किया जाए तो जनता जो है बाकी में जिसको चुनाव करेगी यानी जिसका चुनाव करेगी, समाजवादी पार्टी की लगातार मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सब पूरे विश्व में आज बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।